बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि हमें इस फोटोज देख के बनाने हैं जो कि कुछ 12 साल पुरानी है। एंड ये कमीशन आर्टवर्क मुझे किसी ने दिया है, जो कि मैं आपको प्राइस तो बता नहीं सकता हूँ। एंड ये जो है, इस फोटो में आपको डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं दिख रही होंगी, मतलब डिटेल्स तो हैं प्लस ब्लर हो चुकी हैं अब, क्योंकि 12 साल तक कोई डिटेल्स इस पर रहेंगी नहीं। एंड उस टाइम पे तो इतनी क्लियर भी नहीं आते थे फोटो, जैसे HD या फुल HD। तो यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा इस पार्ट में क्या है और इस पार्ट में क्या है। एंड डिटेल बहुत ज़्यादा है इनके कपड़ों में, ये जो भी हैं बच्चे की कपड़ों में बहुत ज़्यादा ही डिटेल्स हैं। मुंह पे उतनी डिटेल्स नहीं है, पर कपड़ों पे ज़्यादा हमें ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी की ऐसी बननी चाहिए ये फ़ोटो, क्योंकि महंगा कुछ ज़्यादा ही महंगा हमने ले लिया है। एंड तो अच्छी भी तो बननी चाहिए ना। तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पे चारकोल पेंसिल्स का, जो कि ये वाली है। एंड मैं यहाँ पे पेपर यूज़ करूँगा B4 साइज़ का, मीडियम सरफेस वाला। एंड जो है, मैं सब कुछ चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो कि है, इस पे हमें अच्छे से डिटेल्स देनी पड़ेंगी। एंड जो है, इसको हम पहले अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके बाद ही ड्रॉ करेंगे। एंड इसमें मैं चारकोल पेंसिल्स जो यूज़ कर रहा हूँ, उसमें बियानियों की भी लूँगा, ताकि और स्मूथ इफेक्ट आए, क्योंकि बियानियों वाली सॉफ्ट हैं और स्मूथ भी हैं। एंड यहाँ पे जो ये फ़ोटो है, ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा छोटी है ड्रॉ करने के लिए, तो मैं इसकी पहले एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ अच्छी सी, उसके बाद मैं फ़ोटो से देख के ड्रॉ करूँगा। एंड हो सके तो इसको क्लियर भी कर लूँगा एक बार ही, पर क्लियर करने से थोड़े से आपके फेस के एक्सप्रेशंस जो हैं मैनिपुलेट हो जाते हैं, तो इसलिए क्लियर करने के बिना ही आप यूज़ कर सकते हैं फ़ोटो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा इसको बनाने का एक्सपीरियंस। तो गाइस, अब मैं सीधा शेडिंग करूँगा। एंड यहाँ से साइड साइड में चारकोल ले के ही स्मज करूँगा, बीच में भी शेडिंग ऐसी करूँगा। ये बियानियों की सॉफ्ट चारकोल का यूज़ करके मैं साइड पूरे बालों में शेड कर लेता हूँ पहले। जो है मेरे पास है ना स्टेडलर की मार्स लोमोग्राफ, उनका यूज़ करके मैं यहाँ पे अभी शेडिंग कर रहा हूँ। एंड ये देख सकते हैं, मैं साइड से ही इसका जो चारकोल है उसको स्मज करके बीच में ला रहा हूँ। एंड थोड़ा थोड़ा ये ग्रेफाइट पेंसिल्स का भी यूज़ कर रहा हूँ, ताकि दोनों बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्लेंड होके और अच्छी लगे। एंड कैमरा हिल गया थोड़ा सा। एंड देख सकते हैं आप, यहाँ से मैं साइड से स्मज कर रहा हूँ। एंड थोड़ा थोड़ा मैंने चारकोल पाउडर भी बना के रखा है, तो उसका भी मैं हेल्प लेते लेते ऐसे ही बना रहा हूँ मैं धीरे धीरे।
लगे इसको बनाने में। एंड देख सकते हैं आप, ऐसी लग रही है कुछ ड्राइंग। एंड अब मैं आपको बताता हूँ ये किसकी ड्राइंग है। तो एक्चुअली ये है, ये एक्चुअली फोटो है मेरी, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे लिए मतलब सेल्फ पोर्ट्रेट बनाइए, तो मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट बना दिया। एंड अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल फूल तो बनाना ही पड़ेगा ना आपको एक बार। तो कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा मेरा अप्रैल फूल। एंड ये फोटो मेरी ही है। एंड अब कुछ लोग कहेंगे ये आपकी नहीं है, तो अब मैं कोई सबूत तो दे नहीं सकता हूँ कि आपको ये मेरी फोटो है, तो मेरी फोटो है। एंड यहाँ पे कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगली वीडियो गैस करके बताओ कौन सी होगी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I'm gonna go get some more.